भी नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें पता नहीं मम्मा का एक पार्सल है, देखेंगे इसमें क्या निकलेगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? सो यहाँ करवा चौथ से ये पहले वाले दिन की वीडियो है, कब की वीडियो और कब मैं मतलब एडिट कर रही हूँ ये देखिए। मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे, एक दो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें शॉर्ट वीडियोज़ डाल देती है। मैंने कुर्ती ऑर्डर की थी तो ये मैंने अपनी कुर्ती वैसे ही ऑर्डर कर ली थी, ये थोड़ी सेल में सस्ती मिल रही थी। तो देखिए ये वाली कुर्ती कैसी निकली, ये बहुत ही अच्छी निकली है, मैंने मीशो से ऑर्डर की है। ये देखिए ऐसा लुक आया है इसका पहनने के बाद। वेलकम बैक टू माय चैनल, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को मेरी ओर से। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए। आने के बाद पूरा व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने रेडी होने वाला व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि जल्दी जल्दी में रेडी हो रही थी, बाद की तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए। ये है मेरी चूड़ियाँ। सो गाइज़ अभी हम कहानी सुनने के लिए आ गए हैं, तो देखिए सब बैठे हुए कहानी सुन रहे थे। ये बच्चा रो रहा था, छोटा सा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें क्या पता है कि कहानी सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ये तो रोने ही लगते हैं। तो सब इसी को चुप कराने में लगे हुए थे। हम सब यहाँ पर बैठे के कहानी सुन रहे हैं और पार्थ और वानी बाहर मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए बाहर ही थे ये थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ आ गए हैं। पार्थ तो इतनी ज़्यादा शैतानी करता है, घर जाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है उसके साथ। और ये देखिए हम सब कहानी सुन रहे हैं और कहानी सुनने के बाद हमें फिर से वापस और ज़्यादा कुछ तो मशीन नहीं कर पाते हैं। हमें रेडी वगैरह रेडी भी और भाई मतलब सभी काम करने थे मुझे इसी छुट्टी में। तो देखिए घर आने के बाद मैंने खाना बना दिया है अपना, जितना मैं मुझसे शूट हो पाया मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये साड़ी है, इसमें मैंने पैसे रखे हुए हैं, ये खाना है, अब मैं खाना पूजन करने जा रही हूँ। ये देखिए कढ़ी वगैरह सब मेरी अच्छे से पक चुकी है, बन चुकी है। और एक तो नई साड़ी में खाना बनाना बहुत भारी होता है, ऊपर से मोबाइल उठाना भी ये सब काम नहीं हो पाते हैं, या फिर कोई होना चाहिए मोबाइल साथ में लेने के लिए। ये देखिए बच्चे बनाते तो हैं लेकिन फिर भी ये देखिए मोबाइल को हिलाते रहते हैं, इतने अच्छे से नहीं बताते हैं बना पाते हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब कमेंट्स में बताना मेरी साड़ी कैसी लगी आप सबको, मेरे मेकअप वगैरह चूड़ियाँ वगैरह। मैं लास्ट वाली अपनी लास्ट में जो मेरी पिक है करवा चौथ की वो मैं लास्ट में लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, पूजन वगैरह सब मैंने कर लिया है, पार्थ यहीं पर बैठा हुआ है देखिए। और पूजन करने के बाद फिर हम करेंगे अपने चांद का वेट, चंदा मामा का। ये देखिए यहाँ को भी मैं भोग लगा रही हूँ, करवा चौथ माता को भोग लगाते हैं ऐसे। सो फ्रेंड्स आप सबको मेरी साड़ी कैसी लगी फिर से कह रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ये व्लॉग इतने दिन बाद आ रहा है उसके लिए सो सॉरी। वैसे तो आप सबने सबके एक करवा चौथ व्लॉग देख चुके होंगे आप सब, बस मेरा ही अभी तक आपने नहीं देखा होगा, तो ये सब आप थोड़ा लेट देख लीजिए। और ये गले में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी थी, इसलिए मैंने बहुत कम मेकअप वगैरह हल्का फुल्का ही किया था। देखिए गाइज मेरा सभी काम हो गया है, बस पूजन करना था मुझे। अब मैं थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक करूँगी क्योंकि फ़ोटो वगैरह इतने ज़्यादा क्लिक नहीं हो पाए थे उस टाइम कहानी सुनने के बाद। और ये देखिए हमारे चंदा मामा ने भी दर्शन दे दिए हैं। देखिए ऊपर अंधेरा था तो मेरी तो वीडियो नहीं हो पाई लेकिन चंदा मामा की वीडियो मैंने बना ली। चंदा मामा हमारे आ गए हैं, अलग मैंने दे दिया है, अभी मैं आई हूँ, अपना खाना वगैरह मैंने लगा लिया है, सबने खा लिया है, बस मैंने ही नहीं खाया है। और सो जा भाई, खाना हमारा आ गया है, चावल खाओ, अभी कढ़ी चावल और रोटी है। ये देखिए तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए, एंड अगेन हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। बाय बाय, थैंक यू सो मच।